यौन शोषण के आरोप में घिरे हिमालयन स्कूल के निदेशक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूरे गोड्डा जिला से बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक अनेक सामाजिक संस्थानों से जुड़े लोगों ने गोड्डा एसी के समक्ष जो है आवेदन दिया है। एसी ने तत्काल कार्रवाई करने का जो है आदेश दिया और कहा कि स्कूल की पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो। अच्छा वो आज तो गए जांच करने के लिए, सर जांच प्रक्रिया है तो आपको लगातार चल रही है और पूर्ण विश्वास भी है अपने प्रशासन, लेकिन जो दूसरी गतिविधि तेज होनी चाहिए। अभी तक में जैसे विद्यालय में सर ताला बंद हो जाना चाहिए, पठन पाठन का वहाँ पर जो खुला हुआ है तो शायद जैसे साक्ष्य को भी जैसे मिटाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पुलिस गया पर पुलिस तो गई है, ये तो चूंकि घटना स्थल होता है उसको बंद कर देता है पुलिस, पूरा स्कूल बंद करने से कोई फायदा नहीं है। तो बच्चा लोग नुकसान होगा, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर जो रूम जहाँ पे होगा वहाँ सारा बंद कर देगा, सील कर देगा, मैक्सिम करेगा तो कि ताकि वहाँ पे कोई नहीं। सर पर्टिकुलर रूम में जो घटना घटी है वह रूम ऑलरेडी खुला हुआ है और वहीं पे बैठ करके सारा हैंडलिंग होता है। इससे मिलेगी इसके साथ कोई आज वो तो अब तक जो साँच मिटाना होगा तो मिटा दिया होगा। यदि कहा जाए तो साक्ष्य तो अपने स्तर से उन्होंने मिटाने का भरपूर प्रयास किया ही होगा। यदि उनके अभी क्या चाहते हैं सर अविलंब जो सबों की कार्रवाई जो इसमें संलिप्त है उनको जो है अरेस्ट किया जाए और अविलंब यदि विद्यालय बंद हो तो सर ज़्यादा बढ़िया है। और ऐसे व्यक्ति का तो देखिए सर दोनों में प्रोसेस प्रतिबंध होना चाहिए सर। मोहम्मद अजमुद्दीन के पुत्र का जमीन मिल सकती नहीं सर, ये जो है ना एक मिनट, ये पेटिशन, ये जन शिकायत में नहीं है, ये रिप्रेजेंट।